अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ कॉफ़ी केक की, और बहुत ही परफेक्ट बनता है अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जो ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यम्मी सा कॉफ़ी केक बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे, इन्हें हम अच्छे से बीट करेंगे। और जब ये अच्छे से बीट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। इस केक की जो खासियत कह लें या जो टेस्ट है वो सारा इसकी फ्रॉस्टिंग में, आइसिंग में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही परफेक्ट बनती है अगर आप इसको रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट यमी आपका केक रेडी होगा। अच्छा जी, अंडे हमारे जो हैं वो ऑलमोस्ट बीट हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप जो है वो घी, ऑयल, बटर, जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर जा रहा है 1 कप चीनी, आइसिंग शुगर है ये, और 1 टीस्पून मैंने भर के बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और 1/4 स्पून जो है वो बेकिंग सोडा है, और 1 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस का जा रहा है। अगर आप चाहें तो बेकिंग सोडा की जगह 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट, और ये 1.5 कप जो है मैदा है, 1.5 कप मैदा ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इन चीज़ों को अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे और दोबारा से बीट करेंगे। ये 1/4 कप मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसे बीट करूँगी। आपको अगर थिक लगे तो आप मज़ीद मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से बीट करने के बाद हम इसे शिफ्ट करेंगे बेकिंग पैन में। मैंने अवन को जो है वो प्री हीट करने रख दिया है, ताकि ये अच्छे से अवन हमारा जो है वो हीटअप हो जाए। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे पैन में शिफ्ट कर लेंगे। अवन को मैंने 180 डिग्री पे रखा हुआ है, और पैन में मैंने बटर पेपर भी लगा लिया है और ग्रीस भी कर लिया उसे, ताकि नीचे से चिपके नहीं। इसे मैं रखूँगी 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए। थोड़ा सा टैप कर लें इसे और बेकिंग के लिए रख दें। इसे हम चेक करेंगे 40-45 मिनट के बाद, और साथ ही हम तैयारी करेंगे फ्रॉस्टिंग की, जो इस केक की जान है असल में। चलें जी, फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने लिया है बटर, और ये 2 टीस्पून मैंने पानी ले लिया। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं आप, ये प्लेन कॉफ़ी है, फ्लेवर्ड कॉफ़ी नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और ये बटर मैंने ऑलमोस्ट लिया है 180 ग्राम, और ये फ्रिज से निकाला मैंने, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं है, थोड़ा सा ये ठंडा है। और इसे मैंने क्यूब्स में कर लिया है कट करके। अब हम इसे बीट करेंगे, और इसके साथ हमें चाहिए होगी आइसिंग शुगर 1 कप। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कुछ थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप आइसिंग शुगर का, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये फ्रॉस्टिंग रेडी होती है, कॉफ़ी है और आइसिंग शुगर एंड बटर, और एक परफेक्ट फ्रॉस्टिंग जो है इससे रेडी हो जाएगी। बस इसे हम कुछ देर जो है वो बीट कर लेंगे।
जब तक कि इसका स्मूथ सा टेक्सचर ना आ जाए। ये देखिए फ्रॉस्टिंग हमारी परफेक्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। केक को भी चेक कर लेते हैं। केक हमारा जो है वो डन है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस अब हम इसे निकालेंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम इस पर जो है फ्रॉस्टिंग करेंगे। अच्छा जी, मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी दरमियान से, और साथ ही एक हैक भी शेयर करूंगी। मैंने भी ये कहीं देखा था। ये मैंने टूथ पिक ले लिए हैं, जब दरमियान से केक कट करना हो, जहाँ से जिस लेवल पे कट करना हो उस लेवल पे आप ये टूथ पिक चारों तरफ लगा लें और फिर कट करें, तो परफेक्ट आपका इवन जो है वो केक कट होगा। ये मैं लगा लूँगी सारे टूथपिक्स, और इसके बाद मैं केक को कट करूँगी। बस टूथपिक्स निकाल लूँगी और आपको दिखाती हूँ कितना परफेक्ट जो है ये कट हुआ है। ये देखिए, बस अब हम इसे ठंडा होने देंगे ज़रा, और उसके बाद इस पर अप्लाई करेंगे जो फ्रॉस्टिंग हमने रेडी की है। केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो बस अब हम पहले दरमियान में लेयर करेंगे इसको, अच्छे से लेयरिंग करेंगे इसकी और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इसके बाद जो पीस हमने कट किया हुआ था वो इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, ये अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसके ऊपर भी अच्छे से मैं आइसिंग जो है वो स्प्रेड करूँगी। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसकी साइड्स पे जो है वो नट्स क्रश किए हुए जो है वो लगा दूंगी। ये देखिए, ये आलमंड्स हैं, बस इन्हें मैं साइड्स पे लगाऊंगी और साथ ही इसे थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट दिया हुआ होता है टॉप पे स्पाइरल सा जो बना हुआ होता है वो हम करेंगे। उसके लिए आप कोई भी फोक ले लें या नाइफ़, इस तरह की जो नाइफ होता है वो, और उससे थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे लें इसे, तो मज़ेदार सा यमी हमारा कॉफ़ी केक रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।